इश्क बने ना दर्द कहानी। ये क्या है? दुकान की चाबियां। मैं कल से दुकान नहीं आऊंगा। अगर तुम्हारी खुशी उसी लड़की के साथ है तो ठीक है, फिर हमें भी तुम्हारा ये फैसला कबूल है। और अब तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं और तुम्हारी मामा भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मेरा नाम रिहान है, मैं तैमूर का वालिद हूँ। ओह अच्छा अच्छा जी, फरमाइए। इश्क बने ना दर्द कहानी। हम आपसे गलत बयानी से काम नहीं लेंगे, शुरू से ही हम इस रिश्ते के हक में नहीं थे और सबसे बड़ी मुखालिफ तो मैं खुद थी, इसीलिए जबरदस्ती हमने तैमूर को फॉरेन ट्रेनिंग के लिए 3 माह के लिए भेज दिया। हमने सोचा वक्त गुजरने के साथ साथ तैमूर के जहन से परी का ख्याल निकल जाएगा, लेकिन ये हमारी खाम ख्याली थी। हमें बहुत देर से पता चला कि अब यह मामला तैमूर की जिंदगी का रोग बन चुका है और अब तैमूर को बाकायदा सेक्रेटरी के पास सेशंस के लिए जाना पड़ रहा है। और इसीलिए आखिरकार हमने इसकी मोहब्बत के सामने हथियार डाल दिए। जैसे ही तैमूर वतन वापस आया है, हम इसे लेकर आपके दर पर चले आए हैं, क्योंकि अब परी के सरपरस्त तो आप ही हैं ना। हम बड़ी उम्मीद दे के आपके पास आए हैं, उम्मीद है कि हमें आप खाली हाथ वापस मिले। ये आप लोगों की आला जरफी है कि आपने सारी बात खोल के बता दी है, मगर साहब मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैंने जो भी किया है कुछ भी जान पूछ के नहीं किया। साहब मुझे तो वहां धोखा देकर बुलाया गया था, मैं बेकसूर हूँ, प्लीज मेरे यकीन करें आप। मैं जानता हूँ मैं, मगर आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी है। इस अरसे में पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है, परी की बात कहीं और तय हो गई है, 3 हफ्ते बाद उसकी रुखसती है। क्या मौलवी साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मौलवी साहब मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि क्या ये रिश्ता परी की मर्जी से तय हुआ? हाँ, परी की मर्जी से ही ये सब तय हुआ है। अब तो सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। क्या बात है, मौलवी साहब की लॉटरी लगी क्या? इतनी बड़ी गाड़ी लाके खड़ी कर ली। सुना है कोई बड़ा अफसर आया है, कल्लू बता रहा था कि ये वही है जो शब्बीर के घर से पकड़ा गया है। ये क्या करने आया इधर? आया होगा अपने किसी काम से, पर इसके अब आने का फायदा है क्या? लड़की की जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना। चलो ठीक है, किसका भी पता लगाए। मौलवी साहब क्या मैं सिर्फ चंद लम्हात के लिए परी से एक दफा मिल सकता हूँ? मौलवी साहब अगर मैं उससे ना मिला तो ये बोझ हमेशा मेरे दिल पर भारी रहेगा। नहीं बेटा, ये मुनासिब नहीं है। अब वो किसी और घर की हो चुकी है। मौलवी साहब मैं आपसे दरख्वास्त तो कर सकता हूँ, आप प्लीज मेरा ये पैगाम परी तक पहुंचा दें, आगे फैसले का इख्तियार तो उसका है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पहुंचा दूंगा उसे, लेकिन तुम खुद अपनी तरफ से कोई पैगाम पहुंचाने की कोशिश ना करना। जान निकले जा रही थी उस्ताद, पता नहीं आज भी तुम्हारी जमानत होती है या नहीं।
जज का मूड तो नहीं लग रहा था, लेकिन अपने वकील बाबू की तैयारी अच्छी थी। खैर भी अक्कू, मैं तो चला, अगली पेशी पे टाइम पे पहुंच जाना। और सुन, केस अभी खत्म नहीं हुआ, कोई ऐसी वैसी गलती मत कर बैठना, समझे? चल मैं चला। बतावे दूधपति, वो पुराना मुन्ना नहीं रहा उस्ताद? नहीं, तुम्हारे अंदर जाते ही दिमाग को चर्बी चढ़ गई शायद उसकी। तू फिक्र ना कर, पिघला दूंगा सारी चर्बी उसकी। पहले मैं जाके परी से तुम्हें, ऐसी बेवफाई कभी सोची नहीं थी हमने। मेरे हिसाब से तुम्हें इस तरह सीधे परी भाभी के घर नहीं जाना चाहिए उस्ताद। उधर सारे मौलवी साहब के वफादार हैं, और नाहिद भाभी के मौत के बाद तो वैसे ही सब जमा रहते हैं उधर। तुम्हें देखकर अगर किसी ने हीरो बनने की कोशिश की तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है रतु, लेकिन मैं इस तरह हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। लेकिन उस हराम खोर को औकात याद दिलानी पड़ेगी। मेरे होते हुए मरी किसी और की हो जाए, ये नहीं हो सकता। है उस्ताद, एक और भी बहुत जबरदस्त खबर है। दुकान चलो फिर सुनाता हूँ, कड़क चाय के साथ। हाँ भाई, मिला दे चाय, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। वो लड़का आ गया था अपने माँ बाप को लेकर। वो आए थे परी का रिश्ता मांगने। कौन सा लड़का? वो तैमूर। आए हाय, और ये लड़का तैमूर कहाँ से आ गया? वो तो बाहर चला गया था मौलवी साहब, क्या फिर आ गया? हाँ, पाकिस्तान उतरते ही वो अपने माँ बाप को लेकर सीधा हमारे घर आ गया, परी का रिश्ता लेने के लिए। उसके माँ बाप ने भी बड़ी मिन्नत समाजत की है परी के रिश्ते के लिए। हाय हाय, मैं चार दिन पहले ही आ जाता। अच्छा, तो वो बड़ी सी गाड़ी गली में उसकी खड़ी थी। सफदर की बीवी आई थी ना मुझे सब्जी देने, वो बता रही थी। ये तो बड़ा बुरा हुआ, मैं चंद दिन पहले ही आ गया होता। मैंने भी उनसे यही कहा कि आप लोगों ने आने में देर कर दी, अब तो परी का हाथ मांग लिया है किसी ने। वो लड़का आखिरी बार परी से मिलना चाहता है, तुम परी से पूछ लो, अगर वो चाहती है तो दोनों की बात करा देना। सिर्फ आप तो गैर मुनासिब, मगर वो बड़ी दूर से आए। मैं तो कहती हूँ मौलवी जी, काश कोई बात बन ही जाए। वो लड़का तो बहुत अच्छा था, और फिर अब तो ये भी पता चल गया कि उसका कोई कसूर नहीं था। हाँ, सब किस्मत के खेल हैं। आज शबीर भाई जिंदा होते तो मैं किसी भी तरह उन्हें कायल कर लेता, लेकिन मैं जानता हूं कि परी के दिल में क्या क्या वसवसे होंगे। जमाना तो पहले ही उस पर क्या क्या तोहमतें लगा चुका है। अगर ये लोग मुन्ने से पहले रिश्ता ले भी आते तो लोग तो यही कहते कि पहले भी दाल में कुछ काला था, जबी तो ये लड़का रिश्ता लेकर आया है।
अरे लोग तो किसी हाल में जीने नहीं देते मौलवी जी। खैर अब जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन मैं परी बिटिया से बात करके देखूंगी कि वो उस लड़के से मिलना चाहती है कि नहीं। हाँ, जरूर बात करो। मैं कहती हूँ एक बार मिल लेने में क्या हरज है। हर्ज है बुआ, बहुत हर्ज है। वो तब कहाँ था जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो तब कहाँ था जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई थी। एक दफा मुझसे मिलके मुझे बता देता कि वो मेरे साथ है, भले दुनिया के सामने मेरा साथ ना देता, भले दुनिया के आगे मेरा हाथ ना पकड़ता, अगर ऐसे मंदिर से गायब तो ना हो जाता। और अब जब किसी ने मेरा साथ देने की हामी भर दी है तो अब वापस आ गया। अरे बिटिया, वक्त और हालात सब कुछ बदल के रख देते हैं। हो सकता है कि उसे अपने माँ बाप को मनाने में वक्त लग गया हो। और फिर अब ये भी तो देखो ना कि खुद ही तो आया है वो। अब मुझे उसके आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ऊपर जो कयामतें गुजरी थी वो गुजर गई, मैंने मर के जीना सीख लिया। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। भाई मुझे तो इतना इख्तियार है नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी मर्जी मुसल्लत करूं। तुम जानो जो चाहो सो करो। ये बताओ, क्या ये इश्क वाकई इतनी बुरी बला है कि सारी अकल भुला देती है? जब इश्क करेगा ना तो पता चल जाएगा तुझे। ये बता, तू क्यों पूछ रहा आजे? अब तेरे दिमाग पे बुखार तो नहीं चढ़ने लगा? नहीं साथ, मैं तो कुछ और सोच रहा था। ज्यादा सोचा ना कर, ये बता खबर क्या थी? हाँ, खबर ये थी कि जो अफसर था ना, जो परी भाभी के घर में टापा था। हाँ क्या हुआ उसे? आगे बक, वो वापस आ गया है और आज सुबह ही मौलवी साहब के घर गया था वो। क्या कह रहे तू? ये मुसीबत कहां से आ गई? अबे वो मनहूस पहले उसका मंगेतर बना फिर रहा है, अब ये दूसरा रकीब कहां से आ गया? ये बताओ आगे क्या करें? सोचना पड़ेगा कुछ। अगर वो इतनी दूर से आया है तो परी से मिलने की कोशिश जरूर करेगा, और वही अपना आखिरी चांस होगा। एक बार फिर वही कहानी दोहरानी पड़ेगी जिसकी वजह से परी पहली बार बदनाम हुई थी। अब की बार वो पकड़े गए तो समझ अपनी नैया पार। हाँ उस्ताद, जब भी आते हो बहुत ऊपर से आते हो। ये हम करेंगे कैसे? प्लान तो करना पड़ेगा प्यारे, लेकिन आपकी बार परी और वो लड़का बहुत चौकन्ने होंगे, उनको ये खबरी में दबोचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर वो अक्कू उस्ताद ही क्या जो मुश्किल से घबरा जाए। तू उस हराम खोर मुन्ने को तो पकड़ के ला कहीं से, अब तक मैं कोई तिगड़म लड़ाता हूं। और जाके उस अफसर का पता कर वो ठहरा कहां है, उसके पुराने घर चक्कर लगा, शायद कोई खबर मिल जाए। दफा हो जाए। आप हैं वो 30 मार खान, आपकी जुरत कैसे हुई मेरे घर आने की?
पहले तो मेरे अब्बा को जख्मी करा दिया और अब आगे हमदर्दी जताने। हाँ समझते क्या अपने आप को, आए कैसे आप मेरे घर? देख ले अब्बा, ये होती है अफसरी, निहत्ते मजदूरों और वर्करों पर जुल्म करना। अपने माँ बाप को मनाने में वक्त लग गया हो, और फिर अब ये भी तो देखो ना कि खुद ही तो आया है वो। दूसरी शर्त ये है कि आपको अकरम की दुकान की नौकरी छोड़नी पड़ेगी और कोई इज्जत वाली नौकरी करनी पड़ेगी। तीसरी और आखिरी शर्त ये है, आपको कसम उठानी होगी कि आप मेरी पूरी जिंदगी हिफाजत करेंगे। ये समझो कि परी के घर के बाहर तो 24 घंटे फेरा लगा रहता है, रात को वो मुन्ना लेट के फेरा देता है और दिन में बुआ असहाय की तरह लगी रहती है, और हाँ वो मौलवी और सफदर भी शक्ल लगाते रहते हैं खुद देखने के लिए। दिन में कहाँ होता है? सुना है स्टेशन पर मुंशी की नौकरी कर रहा है, आने वाली गाड़ियों पर सामान गिनता है वो। उस अफसर की क्या खबर है? स्टेशन के पीछे वाले रेस्ट हाउस में रह रहा है, इसके पुराने बंगले के गार्ड से पूछने गया था ना, 500 की पत्ती लगानी पड़ी इसको। बाढ़ में गई तेरी 500 की पत्ती, अब हमें अपना सब कुछ भी दांव पर लगाना पड़े तो लगा देंगे। यह आखिरी बाजी है प्यारे, तू बस एक काम कर, उसके घर के सामने अपना मुस्तकिल ठिकाना कर ले और उस फप्पे कुटनी बुआ पर कड़ी नजर रख, कहां आती है कहां जाती है। पुराना इश्क है ना, जोश जरूर मारेगा, वो लड़का परी से मिलने की कोशिश जरूर करेगा और पैगाम रसानी के लिए उस बुढ़िया को जरिया बनाएगा। सही कह रहे हो उस्ताद, आज सुबह बुआ को जाते देखा था मैंने कहीं, और सफदर साहब की घरवाली को छोड़ के गए हैं परी भाभी के पास ना। अबे जाहिल, मुझे मुंह उठा के खबर क्यों दे रहा है? उसका पीछा नहीं कर सकता था क्या? पता वहीं गई हो वो। गलती हो गई उस्ताद, मगर उस्ताद अगर वो उधर गई होगी तो रेस्ट हाउस से बाहर अभी नहीं निकली होगी, मैं जाके देख के आऊं। खाला चाय। अरे भाई जीती रहे बेटा, इस वक्त चाय की बहुत तलब हो रही थी। जी आपको ऐसी खामखा बुआ ने तंग किया, मैं अंदर से कुंडी लगा लेती हूँ। आप अब घर का सारा काम काज छोड़ कर यहाँ आ गई हैं मेरी रखवाली करने। अरे नहीं, मुझे तो सफदर साहब ने ताकीद करके रखी है कि मैं इधर से गुजरूँ तो तुम्हारी खैरियत मालूम करती हुई जाऊँ, और मौलवी साहब ने तो सख्ती से कहा है कि अगर बुआ को कहीं जाना हो तो मुझे यहाँ बिठा के जाएं। वैसे तुमने बताया नहीं कि बुआ इतनी जल्दी में गई कहाँ है? वो बाजार गई है, कुछ काम था। हाँ भाई माशाल्लाह से शादी का घर है, हजार काम होते हैं। खैर से तुम अपने घर की हो जाओगी तो भाई हमारी भी पहरेदारी खत्म हो जाएगी। मेरी बात मान ले बेटा, एक बार मिल ले उससे। कि मेरे मिलने से उसके दिल का बोझ कम हो जाएगा और उसकी आगे जिंदगी अच्छी गुजरेगी, तो मैं उससे मिलने के लिए तैयार। इश्क परे दर्द कहानी। क्या बताऊं बेटा, मैंने तो उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो अब तुमसे मिलना नहीं चाहती। अंदर से खत्म कर लिया है उसने अपने आप को, मार डाला। मुझे तो तुम्हारे लिए यही पैगाम देकर भेजा है कि अब तुम लौट जाओ, वो किसी और को हाँ कर चुकी है। ठीक है वो, मैं परी का फैसला मानने को तैयार हूँ, लेकिन बुआ आप मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा था कि वो एक
आखिरी दफा दो लम्हे के लिए मुझे मिल भी नहीं सकती। बुआ, माना कि मैंने देर कर दी, लेकिन देर से ही सही, कम से कम सबको मना कर एक इज्जतदार तरीके से लेके जाने के लिए उन्हें आ तो गया हूं ना बुआ। बुआ, क्या ये बात मेरी सच्चाई साबित करने के लिए काफी नहीं है? बेटा, मैं तो तुम्हारी ये बात समझ सकती लेकिन उस बच्ची ने इस दुनिया में बहुत दुख उठाए, बड़ी परेशानियां देखी, उसे अब किसी पे एतबार नहीं है। मैं तो कहूंगी तुम लौट जाओ। बुआ, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरे एक आखिरी काम कर लिया। ये किताब उसे दे दीजिएगा, इसके अंदर उसके लिए लिखा हुआ एक रुखा है और ये वही किताब है जो उसने एक दफा आकर मेरे घर में भी खोली थी। मैं मजीद दो दिन बाद यहां से चला जाऊंगा। और बुआ, सच मुझे तो ये दो दिन भी सिर्फ इसी उम्मीद से गुजारूंगा कि शायद उसे मेरे हाल पर तरस आ जाए, शायद वो मुझ पर रहम खा ले और मेरे से एक आखिरी मुलाकात करते आ जाए। ठीक है बेटा, चलती हूँ मैं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अंदाजा ठीक निकला। बारिश बड़ी बला है, मजनू वहां तड़प रहा है और लैला पत्थर दिल बनी बैठी है। वही पुरानी मोहब्बत की कहानी। और हमें इसी लैला मजनू की कहानी में से अपना काम निकालना होगा। हमें उस हराम खोर मुन्ने को किसी तरह खबर देनी होगी कि उसकी होने वाली मंगेतर का पुराना आशिक शहर में आ चुका है और उस बुढ़िया के जरिए उसे पैगामे इश्क भिजवा रहा है। इतना पेट्रोल छिड़कना है कि बस तीली लगाने की देर रह जाए। उससे क्या फायदा होगा उस्ताद? इसी से तो फायदा होगा जाहिल। हमें आशिक और रकीब को आमने सामने खड़ा करना होगा। इस तरह उनमें से सिर्फ एक बचेगा या दोनों ही खत्म हो जाएंगे। समझ गया उस्ताद, तुम फिक्र ही ना करो, मैं अभी उस मुन्ने को ढूंढता हूँ, उसको सारी कहानी सुना देता हूँ। उसे सिर्फ मेरे सामने लाएगा, ये कहानी तो मेरी जुबानी सुनेगा। ठीक है उस्ताद। लो, आ गए इलाके के बहनोई। यार, मुझे अपने एक बात समझ नहीं आती, परी जैसी लड़की ने इसमें देखा क्या है? सच है यार, मैं तो खुद अपनी अम्मा को कितनी दफा कह चुका हूँ कि परी के घर जाए मेरा रिश्ता लेकर, पर अम्मा ये मानती नहीं है। अबे यार, वो कौन सा लड़का होगा जो परी के घर के चक्कर नहीं काटता? पर परी ने सारा केस खराब कर डाला इस अफसर को घर बुलाकर, हम सबका चांस भी गया साला। सच है यार, वैसे बड़ी चीज निकली है परी, इलाके में तो कभी किसी लड़के को घास नहीं डाली और मुर्गा फंसाया भी तो ऐसा फंसाया जो अपना काम निकलवा कर रफू चक्कर हो गया। अच्छा चल, इस बावले के मत्थे लगने की जरूरत नहीं है, सुना है वैसे ही दो दो को अकेला पीट कर आया। चल निकल 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 यहाँ से।
क्या बात है उस्ताद, आजकल घर का रुख करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है, यहाँ बैठ के बीड़ी पीते रहते हो, दुकान पे भी आना छोड़ दिया तकरीबन। क्या करूंगा घर जाकर, खाली घर काटने को दौड़ता, नहीं बेचारे ने भी जाने में जल्दी कर दी, दो चार दिन रुक जाती तो क्या जाता उसका, मेरे घर में रौनक तो लगी रहती, जली कुटी सुनाती थी, दिन गुजर जाता था मेरा, अब तो रूह का आलम रहता सर। फिक्र ना करो उस्ताद, बड़ी भाभी घर आ जाएगी फिर से रौनक हो जाएगी। हाँ बेचारे कटिंग, अब तो उसी बेवफा के इंतजार में बैठा, जाने कब आएगी, अब तो उसने भी अपनी सहेली नाहिद की तरह पैंतरे बदल बदल कर वार करना सीख। सच बताऊं अब सही मजा आता है, पहले तो सीधी सादी थी, अब थोड़ी नमकीन हो गई। नमकीन से याद आया उस्ताद, बड़े जोर की भूख लगी है, कोई अच्छा सा खाना ही खिला दो ना। है ऐसा कहता है, चल फिर तुझे मलबारी के होटल की तड़के वाली दाल खिला। हाँ। तेरी बाबी ना एक भी बड़ा तीखा खाना बनाती थी मेरी, उसके हाथ में जायका था। परी बिटिया, ये उसने तुम्हारे लिए दी है, कह रहा था कुछ जरूरी चीज है, बस दो दिन बाद चला जाएगा, फिर कह रहा था कभी लौट के नहीं आऊंगा। बहुत नाराज, एक आखिरी बार भी नहीं मिलोगे, मुझे कोई सफाई पेश नहीं कर रही, ना ही अपनी किसी मजबूरी का रोना रोना है, बस इतना कहना है कि मैंने तुम्हें हर पल याद किया, हर लम्हा तुम्हारे दर्द को महसूस किया, मगर हाँ मुझे देर हो गई अपने उन रिश्तों को मनाने में जिनका मुझ पर बहुत हक है, परी मैंने तुम्हारी याद को खुशबू की तरह अपने दिल के किसी कोने में बसा रखा था, अगर मेरी दुआ कबूल होती तो बस एक ही दुआ मांगता, तुम सदा खुश रहो और तुम्हारे दामन का हर कांटा मेरा और सिर्फ मेरा ही मुकद्दर हो। बेटा मैं तो कहती हूँ एक बार मिल लो उससे, इस तरह दिल पे भी कोई बोझ बाकी नहीं रहेगा। बुआ कुछ बोझ दम के साथ ही रुखसत होते।
आज अब्बा की बहुत याद आ रही। मेरी अम्मा भी मुझे छोटी सी उम्र में छोड़ के चली गई। फिर अब्बा ने जाने में इतनी जल्दी क्यों कर दी? जब बच्चियां घर से रुखसत होने लगती हैं, तो ये सब रिश्ते याद आने लगते हैं। पर तुम दिल छोटा ना करो बेटा, अल्लाह मौलवी साहब को लंबी उम्र दे। हमेशा तुम्हारे सर पे बाप की तरह हाथ रखा है उन्होंने, हर फर्ज निभाने की कोशिश की। और फिर मैं भी तो हूं, माँ तो नहीं बन सकती पर माँ जैसी तो जरूर। मेरा बहुत साथ है, आप मेरी अम्मा भी और अब्बा भी। अब आई लुक, इस वक्त कौन आ गया भला? मुन्ना होगा, मैं देखती हूँ। आय वाह, तुम तो बड़ी बहादुर हो गई हो भाई। चलो अब हम दोनों चल के देखते हैं। आय कौन है भैया? मैं हूँ बुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुन्ना बेटा खैरियत तो है? जी जी सब खैरियत है, बस वो गली के नुक्कड़ पर कुछ लफंगे लड़के बैठे हुए थे, घर में भी खामोशी थी, मैंने सोचा दस्तक देकर पूछ लूं। अरे बेटा इन लफंगों का क्या है, ये तो सारी रात यहीं डेरा जमाए रहते हैं, काम के नकाज के दुश्मन अनाज के। लेकिन अच्छा किया तुमने देख लिया, अब मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ गरम गरम। परी जी मुझे आपसे एक बात पूछनी है, बुरा तो नहीं मानेंगी? पूछो। आप इस रिश्ते से खुश तो हैं ना? क्या मतलब? मतलब आप पर कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं, हालात की, लोगों की या किसी और की? हालात का जबर तो तुम्हारे सामने ही है, लेकिन इस वक्त ये सवाल पूछने की जरूरत क्यों महसूस हुई? किसी ने कुछ कहा है क्या? भरी जी लोग तो कहते हैं और कहते रहेंगे, लेकिन खुद मेरे अंदर भी ये सवाल बार बार सर उठाता है कि आप आसमान की परी, मैं जमीन का बंजारा, मैं किसी भी तरह आपके काबिल नहीं था परी जी, लेकिन फिर भी आपने मुझे इस काबिल समझा, बस दिल इस सवाल पर अटक जाता है। अपने अंदर से ये सवाल निकाल दो, मुझे एक ऐसे जीदार साथी की जरूरत थी जो मेरी इन अक्कू जैसे लफंगों से हिफाजत करे, जो मेरी इज्जत करता, जिसे दुनिया की मेरे बारे में कही हुई बातों से फर्क ना पड़ता। पर तुमने ये सारी खूबियां हैं, इसलिए अपने आप को कमतर समझना छोड़ दो। परी जी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बड़ा मान है मुझे आप पर, कभी इस मान को तोड़िएगा मत। जिंदगी में किसी भी मौके पर आपको ऐसा कुछ लगे कि आपसे कोई गलत फैसला हो गया है तो मुझे बता दीजिएगा, मेरी नज़र में आपकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। मुझे कभी कुछ छुपाइएगा मत। तुम्हारी कच्ची मुलाजमत के ऑर्डर की। फिलहाल ये एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है, माल गाड़ियों से उतरने वाले माल की गिनती करने का और रजिस्टर में तफसील दर्ज करने का। देखो मियां अगर दिल लगा के काम करोगे ना तो नौकरी पक्की भी हो जाएगी, क्यों बोल? शुक्रिया, नहीं जरूर आप बेफिक्र रहें, मैं बहुत दिल लगा कर काम करूंगा। पिछले 15 दिन से मैं उसी प्लेटफॉर्म पर दिहाड़ी का काम कर रहा था, आप टीटी साहब से पूछ लें, पूरी मेहनत से काम किया मैंने। तुम्हारी इसी ईमानदारी और मेहनत की वजह से स्टेशन मास्टर साहब ने ये इनायत की है बस। अच्छा भैया ये बताओ कि काम समझ में तो आ गया है ना, कोई मसला तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, इतनी लिखत पढ़त तो कर लेता हूँ मैं, अब दुकान पर अपना हिसाब मैं खुद ही किया करता था। अल्लाह का नाम लेकर काम पे चले जाओ, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे। Thank you.
परी, परी बिटिया, अरे परी बिटिया, जी वो आप कुछ कह रही हैं? किस सोच में गुम हो? कुछ नहीं। जानती हूँ बेटा कि सुलझन में गिरफ्तार है, इसीलिए मैंने कहा था कि उससे एक बार बात कर लो। अरे बेटा, सारी उम्र क्यों दिल में एक चुभन लेके फिरना चाहते हो? क्या मिलेगा उससे बात करके? बोल, वही मजबूरियों की एक लंबी सी फरहिस्त होगी उसके हाथ में। ना मेरे सवाल खत्म हो पाएंगे और ना ही उसके जवाब मुझे मुतमईन कर पाएंगे। तो फिर जब रास्ते ही सदा के लिए अलहदा हो गए तो फिर मिलकर क्या करना? बात तो तेरी भी ठीक है परी, लेकिन बेटा जो हालत मैंने उस लड़के की अपनी आंखों से देखी, मुझे तो लगता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। और बेटा, अगर हमारी जरा सी जहमत से किसी के दिल का बोझ जिंदगी भर के लिए हल्का हो जाए तो मैं तो इसे कारे खैर ही कहूंगी। वैसे तो दिल पर तुम्हारे भी बोझ है, लेकिन तुमने तो पत्थर रखना सीख लिया। मेरी बात मान ले बेटा, एक बार मिल ले उससे। ठीक, कि मेरे मिलने से उसके दिल का बोझ कम हो जाएगा और उसकी आगे जिंदगी अच्छी गुजरेगी, तो मैं उससे मिलने के लिए तैयार। लेकिन इस मुलाकात में मुन्ने का होना जरूरी। भाई ना ना बिटिया ना, भाई कैसी बात कर रही है? अरे बेटा, अपने होने वाले शोहर को क्या बताएगी कि किससे मिलने जा रही है? मुझे पता है बिटिया कि तेरी नियत साफ है, लेकिन मसलहत इसी में है कि अभी ये बात किसी को ना पता चले। हजार दुश्मन होते हैं जमाने में। अरे मर्द के दिल में अगर शक का बीज फूट जाए ना तो तनावर दरख्त बनने में वक्त नहीं लगता। कि मैं मुन्ने से कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं छुपाने को नहीं कह रही, जब मुनासिब वक्त और मौका देखो तो बता देना। अगर ज़र्फ़ वाला हुआ ना तो इससे ज़्यादा कदर करेगा तुम्हारी, ये सोच कर कि ऐन वक्त पर तुमने उसकी खातिर सबको ठुकरा दिया। क्या हुआ बे, तू क्यों हवा के घोड़े पे सवार है? वो मुन्ने के काम का ठिकाना पता करके आया हूं मैं। यही बोगियों के शेड में मुंशीगिरी कर रहा है वो। अच्छा, चल फिर आज असली मुलाकात हो ही जाए। बहुत सी बातें मेरे दिल में। मैं भी चलूं साथ? नहीं, तुझे मैंने परी के घर के पहरे पर लगाया, तू वहीं जमा रहे, लेकिन देखी किसी की नजरों में ना आए। विसाल की लाख सबीने और संजोग हजार जैसे दो सितारे साथ चलते हैं,
मगर वो रात को और हम यूं ही दिन रात जलते हैं। इश्क पने ना दर्द कहानी।